नमस्कार सभी दोस्तों को। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल उत्तराखंड डायरीज में। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं हूँ आजकल गांव में और सुंदर से पहाड़ों के बीच मेरा गांव, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ। ये नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे खेत, आजकल हमने धान और झंगोरा वगैरह बो दिया है। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ हिसोली खाने के लिए। और हमारे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर काफ़ी सारे हिसोली लगे हुए हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कर अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अभी। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी धूप लगी हुई है। और आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पहाड़ों में सुबह तो बढ़िया धूप आ रही है, पर 2 बजे के बाद काफ़ी सारी बारिश हो जा रही है। और ये आप देख सकते हैं गांव का सुंदर सा नज़ारा, ये देख सकते हैं। ये अगर आपको कैमरे में दिख रही है नीचे नदी, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पिंडर रिवर है जो कि निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। और दोस्तों, आजकल आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने घर पर रहें, बढ़िया से रहें, सुरक्षित रहें। जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैली हुई है, उस हिसाब से आप अपने घर पर ही रहें तो सबसे बढ़िया है। इस समय मास्क प्रॉपर पहने रखें दोस्तों। मैं गांव में हूं, इसलिए गांव में अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने मास्क वगैरह नहीं पहना है। पर अगर आप बाहर हैं, शहरों में हैं, तो अपने घर के अंदर ही रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, और अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें। यही उम्मीद के साथ यह बुरा समय चला जाएगा। तो दोस्तों, यह आप देख सकते हैं, मैं आपको अपना पुराना स्कूल भी दिखाता हूँ। यहाँ पर हम पहले बचपन में पढ़ाई करने आते थे। ये मेरे घर से थोड़ा सा ही दूरी पे है, ये देखिए, ये हमारा प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर हमने प्राइमरी की शिक्षा 1 से लेकर 5 तक यहीं से पूरी की है। और यहाँ पर पहले बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम डेली क्रिकेट खेलते थे बढ़िया से, काफ़ी मज़ा आता था, और अभी भी खेलते हैं वैसे। दोस्तों, अभी थोड़ा सा दूर और है, और बने रहिए वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप भी इस लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, तो आप भी ज़रूर खाइए हिसालू किलमोड़ी। ये आप देख सकते हैं गांव का नज़ारा, और ये हमारा स्कूल, पुराना स्कूल। तो दोस्तों, बने रहिए, आपको अभी हम हिसालू खिलाते हैं। ये आप देख सकते हैं गांव का सुंदर सा नज़ारा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े से पहाड़, और नीचे यह पिंडर नदी जो कि इस घाटी को, इस पहाड़ी को 4 चांद लगा देती है। ये देखिए दोस्तों, मौसम भी वैसे अच्छी धूप लगी है, पर थोड़ा थोड़ा बादल भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जाना कहाँ है। ये मेरी उंगली का निशान आप देख रहे हैं, यहाँ जाना है, और लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। पर लेकिन पहाड़ों में इतनी एक्सरसाइज तो होती है। ये आप देख सकते हैं गांव का दूसरा हिस्सा, ये देखिए गांव का दूसरा हिस्सा। और गांव की पल्ली पार जो है, आपको ये वाले पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से बुग्याल शुरू हो जाते हैं। कोई पेड़ पौधे नहीं, सिर्फ नंगे पहाड़ ही रह पाते हैं। ये देखिए आप, आजकल चारों तरफ बढ़िया सी हरियाली छाई हुई है। तो दोस्तों, बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, फाइनली अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, पर लेकिन आप ही आप देख सकते हैं पीछे इस साइड से गांव का नज़ारा। एक साथ कैमरे में नहीं आ पाती है,
पूरे गांव की पिक्चर, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर साइड भी कुछ मकान इधर साइड हैं, कुछ मैंने आपको इधर से दिखाई हैं। और मैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुँचने वाला हूँ। यहाँ का नाम है राखा। यहाँ पर हमारे दो चार खेत भी हैं और हम यहाँ पर जो कांटे होते हैं खेतों में वो भी आजकल ही काटते हैं। तो काफ़ी सारे हिसालू थे, मैंने कहा हिसालू भी खा लेते हैं और आप लोगों को भी खिला लेते हैं। उसके बाद उन जो कांटे रह जाएंगे उन्हें हम काट लेंगे। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी सी धूप निकली हुई है और मैं फाइनली अपने पॉइंट पर पहुँचने ही वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा दूर और बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर हम आपको ले चलेंगे हिसालू खाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हिसालू के इस पेड़ पर। ये देखिए आप, आपको कैमरे में दिख रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए दोस्तों, वाव, काफ़ी ज़्यादा हिसालू, एकदम काफ़ी मज़ा आने वाला है। और पहाड़ की सुंदर सी वादियों के बीच हिसालू खाने का अलग ही मज़ा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अगर आप भी पहाड़ों में हैं, घर पर हैं, तो हिसालू, किरमोड़ा, आजकल बहुत से काफल, बहुत से फल हुए हैं, आप ज़रूर खाइए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा। और दोस्तों अब मैं खाता हूँ हिसालू और आपको भी खिलाता हूँ। काफ़ी बड़े बड़े और हैं दोस्तों, आप भी खाओ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आय हाय, ये लो दोस्तों, आप भी खाओ। ये देखिए दोस्तों, पेड़ से तोड़कर खाने का मज़ा ही कुछ और है। वाओ, काफ़ी मीठे यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। ये देखिए आप भी खाएं दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं बहुत सारे हिसालू। और वाह वाह वाह, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी हिसालू की वीडियो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। दोस्तों ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही गाँव की सारी चीज़ों के साथ मैं आपको रूबरू करवाते रहूँगा। तो दोस्तों विदा कीजिए, धन्यवाद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।